नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नरेंद्र मोदी बने भगवान, समर्थक ने बनाया मंदिर। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही करारी मात खा गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने उन्हें भगवान बना दिया है। भाजपा समर्थक और नरेंद्र मोदी के एक तथाकथित भक्त ने राजकोट के काठुरिया गांव में मोदी के मंदिर का निर्माण किया है। यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन 15 फरवरी को राज्य के कृषि मंत्री मोहन कुंदरिया करेंगे। इस मंदिर के लिए चंदा रमेश उंधड़ ने दिया है। इस मंदिर में लगाई गई मोदी की मूर्ति की कीमत 1,65,000 रुपये है। गांव के सरपंच मनसुख कुमार का कहना है कि हर दिन करीब 100 लोग मोदी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर की चोटी पर भाजपा का झंडा भी लगाया गया है। नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया। बिहार में फिर से मुख्यमंत्री बनने की जुगत में लगे नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अदालत ने नीतीश को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध करार दिया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश के खिलाफ भाजपा साजिश कर रही है। यह याचिका राजेश्वर राय ने दायर की थी। दिल्ली की हार पर शिवसेना ने साधा भाजपा पर निशाना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार पर भाजपा पर निशाना साधते हुए उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बुधवार को कहा कि आपकी झाड़ू ने भाजपा का कचरा कर दिया है। शिवसेना ने दिल्ली चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह भी कहा गया है कि चुनाव परिणाम भाजपा के लिए यह सबक है कि चुनाव केवल वादों और भाषणों के आधार पर नहीं जीते जा सकते हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी मोदी पर निशाना साधा था। भारत को हल्के में नहीं ले सकते, पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने कहा। भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खराब फॉर्म के बावजूद गत चैंपियन भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता और वह विश्व कप के प्रबल दावेदारों में से एक होगी। चैपल ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन विश्व कप में वह अलग ही टीम होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रबल दावेदार है। क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की अहम जानकारियां चोरी। क्रिकेट विश्व कप से 5 दिन पहले एक्रेडिटेशन सेंटर से 5 लैपटॉप चोरी हो गए, जिनमें टूर्नामेंट की अहम जानकारी थी। कैंटरबरी जिला कमांडर सुपरिंटेंडेंट गैरी नोल्स ने बताया कि चोरी शनिवार की रात हेगले नेटबॉल सेंटर से हुई। उन्होंने हालांकि कहा कि इसका विश्व कप की सुरक्षा तैयारियों पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक स्थानीय वेबसाइट से कहा कि लैपटॉप में कोई निजी जानकारी नहीं है और विश्व कप 2015 की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।